कंप्यूटर हो या फिर लैपटॉप हो इनके कीबोर्ड में दोस्तों बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स छुपे हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे अगर आपने दोस्तों कभी कीबोर्ड यूज किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा आप हमेशा दोस्तों कुछ भी टाइप करने के बाद जो भी एंटर की होता है दोस्तों उसे बहुत तेजी से हार्डली प्रेस करते हो क्यों यही नहीं कीबोर्ड में ध्यान से देखना जो वहां पर एफ और जे की होता है उसमें एक छोटा सा बम्प दिया जाता है क्यों इसके अलावा दोस्तों कीबोर्ड में सारे जो कीज है वो छोटे छोटे हैं लेकिन दोस्तों जो स्पेस बार है वो इतना लंबा क्यों है क्या है इसके पीछे का रीजन और साथ में आपके मन में ये भी सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा कीबोर्ड में दोस्तों जो ये ए बी सी डी की है इन्हें अल्फाबेटिकली यहां पर ऑर्डर में क्यों नहीं ऐड किया गया रैंडमली क्यों ऐड किया गया इसके पीछे क्या रीजन है ऐसे ही दोस्तों कीबोर्ड के बारे में बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए वेल well, जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए हेलो गाइस मैं नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह दोस्तों टेक्नोलॉजी के अंचल में आपका स्वागत है तो कीबोर्ड को लेके सबसे पहला सवाल दोस्तों ये है कि कीबोर्ड पे दोस्तों ये जो क्वार्टी दिया गया है क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई इसे दोस्तों अल्फाबेटिकली ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज क्यों नहीं किया गया जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच अगर ऐसे ऑर्डर कर देते तो ज़्यादा सिंपल होता वेल well, दोस्तों अगर मैं इसे सिंपल और शॉर्ट में बताऊं तो आपकी टाइपिंग स्पीड को कम करने के लिए दोस्तों इसे रेंडमली अरेंज किया गया अब आप बोलोगे यार व्हाट रियली बट क्यों वेल well, इसके पीछे रीजन है पुराने समय के ओल्ड मैकेनिकल मैनुअल जो टाइपराइटर्स होते थे तो पहली बार जब इसका इन्वेंशन हुआ था दोस्तों तो उस वक्त दोस्तों टाइप में यहाँ पर ए बी सी डी यानी कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कीज को किए गए थे लेकिन दोस्तों एक खड़ी हो गई जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कीज को ऐड करने से लोगों की दोस्तों जो टाइपिंग स्पीड है वो बहुत फास्ट होने लग गई और जितने भी दोस्तों यहां पर कॉमनली यूज होने वाले कीज थे उनका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था यहां पर और अक्सर दोस्तों फास्ट टाइप करने की वजह से दोस्तों जो कीज है वो जैम हो जाते थे मतलब जैम हो गए तो की काम नहीं करेगा तो इसी प्रॉब्लम को दोस्तों रोकने के लिए यहां पर दोस्तों जो कीज है उसे रैंडमली ऐड किया गया और आने वाले दोस्तों समय में दोस्तों की में जितने भी कंप्यूटर लैपटॉप के की होते थे उन सभी में दोस्तों इसी स्टैंडर्ड को अपनाया गया मतलब अजीब है ना दोस्तों आपकी टाइपिंग स्पीड को कम करने के लिए एक्चुअली में दोस्तों इन कीज को रैंडमली ऐड किया गया स्ट्रेंज इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कीबोर्ड में ध्यान से देखना वहां पर दोस्तों आपको एफ और जे की एक छोटा सा बंप दिया जाता है यानी कि उभार दिया जाता है तो आपके मन में, में भी सवाल होगा कभी ना कभी आया होगा ये क्यों दिया जाता है वे well, दोस्तों इसे मैं आपको सिंपल में समझाता हूं आपने नोटिस किया होगा दोस्तों जिनकी भी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है जो भी दोस्तों प्रोफेशनल यहां पर टाइपिंग करते हैं आपने नोटिस किया होगा वो हमेशा दोस्तों कीबोर्ड पे कभी भी नहीं देखते वो हमेशा स्क्रीन पे देखते हैं बिना देखे बहुत फास्ट और एक्यूरेटली टाइप कर लेते हैं तो इसके पीछे दोस्तों कहीं ना कहीं रीजन यही दोस्तों छोटा सा बंप है 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 वेल दोस्तों दोस्तों इसके पीछे जो रीजन है, वो सिंपल है। आपने अगर दोस्तों, कभी भी टाइपिंग सीखी होगी तो आपको पता होगा या फिर आपने कभी भी नोटिस करना जितने भी दोस्तों जो फास्ट टाइपिंग करते हैं प्रोफेशनल टाइपिंग करते हैं बिना देखे उनकी दोस्तों जो इंडेक्स फिंगर होती है यस ये वाली उंगली जो लेफ्ट वाली उंगली हो दोस्तों वो हमेशा एफ की पे होगी देखना जिसपे बंप होगा और जो राइट हैंड वाली दोस्तों जो इंडेक्स फिंगर है वो हमेशा दोस्तों जे की पे होगी और नोटिस करना आप खुद कभी कीबोर्ड पे दोस्तों अपनी जो दो इंडेक्स फिंगर है वो एफ और जी पे रख के देखना अगर आप देखोगे तो दोस्तों आपकी उंगलियां दोस्तों कीबोर्ड बोर्ड में जितने भी अल्फाबेट वाले कीज है उन सभी पे ईजली पहुंच जाएगा तो सिंपल से दोस्तों इन दो कीज में जिसमें बम्प बना हुआ है इसमें अपने दोस्तों इंडेक्स फिंगर को यहां पर रखने से दोस्तों आप कीबोर्ड में जितने भी अल्फाबेट जो कीज़ है दोस्तों उन्हें ईजिली एक्सेस कर सकते हो और आपको याद भी रहता है दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में ये की है ऊपर right की साइड में नीचे की साइड में ये कीज़ है राइट हैंड साइड में ऊपर की साइड ये कीज और नीचे की साइड ये कीज है तो आप इजिली आपको याद रहता है और आप इजिली टाइप कर सकते हो अब मान लीजिए यहां पर आप कभी अंधेरे में टाइप कर रहे हो या फिर मान लीजिए आप कभी स्क्रीन में देख के या सामने देख के नीचे टाइप कर रहे हो और आपको पता ही नहीं कि दोस्तों आपने मिडिल में फिंगर रखा है या नहीं तो ये चीज कैसे पता चलेगा तो जैसे ही दोस्तों आप की में हाथ रखोगे यहां पे तो आप नोटिस करोगे यहां पर छोटा सा आप टच करोगे तो आपको एक बंप नजर आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए यहां पर एफ की पे यहाँ पर बंप आएगा और राइट हैंड साइड के लिए जे की पे बंप आएगा तो आप उससे समझ जाओगे कि यार ये एफ है और ये जे है तो चलो दोनों को सेंटर में रखते हैं और फिर हम टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो इससे क्या होता है दोस्तों आपको बार बार नीचे की में देखना नहीं पड़ेगा और सेम उसका हाथ रखने के लिए दोस्तों आपको सेम नीचे की में देखना नहीं पड़ेगा आप सिंपल सा कहीं पर भी हो टाइप करो चाहे अंधेरा हो या फिर आप स्क्रीन में देख रहे हो आप इजिली टाइप कर सकते हो मतलब है तो दोस्तों ये एक छोटा सा बम्प लेकिन सभी लोग इसे इग्नोर कर देते हैं लेकिन इसकी मदद से दोस्तों जो एक्चुअल फास्ट टाइपिंग करते हैं वो एक्चुअली में फास्ट टाइप कर पाते हैं इंटरेस्टिंग है ना वेल well, इसी से दोस्तों मिलता जुलता जो नेक्स्ट सवाल है वो है स्पेस बार से रिलेटेड आपके मन में भी कभी ना कभी सवाल आया होगा कीबोर्ड में दोस्तों जो कीज है वो सारे ऑलमोस्ट छोटे छोटे होते हैं लेकिन जो स्पेस बार है वो इतना लंबा क्यों है इस सवाल का जवाब भी दोस्तों प्रोफेशनल टाइपिंग में ही है जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है वो एफ और जे की पे होती है जिससे दोस्तों आपकी जो चार उंगलियां हैं लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की वो सारे कीज पे पहुंच जाती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो आप की में टाइपिंग करते हो तो जैसे आप हाथ रख के टाइप करते हो तो आपकी जो उंगलियां हैं दोस्तों वो स्पेस बार तक नहीं पहुंच पाती है तो यहां पर स्पेस बार पर पहुंचाने के लिए आपको अपनी उंगलियां की से उठानी होंगी तभी आपका दोस्तों जो फिंगर्स है वो स्पेस बार पर पहुंचेंगी तो इसलिए दोस्तों यहां पर हम थम का इस्तेमाल करते हैं अब आपने नोटिस किया होगा अगर आपने कभी टाइपिंग सीखी है या फिर प्रोफेशनली करिए तो आपको पता होगा अगर आप लेफ्ट हैंड से टाइपिंग कर रहे हो दोस्तों तो हमेशा लेफ्ट हैंड में अगर आपने कोई भी लास्ट की प्रेस करी यहां पर लेफ्ट हैंड से तो हमेशा दोस्तों आप यहां पर स्पेस के लिए अपने लेफ्ट थम का यहां पर यूज करना चाहोगे फास्ट के लिए वहीं पर अगर आप राइट हैंड से कोई टाइपिंग कर रहे हो लास्ट की आपने कोई राइट हैंड का यहाँ पर राइट हैंड से प्रेस किया तो आप यहां पर राइट हैंड के जो थम है उसी को यहां पर यूज करना चाहोगे स्पेस बटन को प्रेस करने के लिए अब दोनों उंगली थोड़े दूर दूर रहते हैं तो इन्होंने दोस्तों क्या किया दोनों उंगली में दोस्तों दोनों उंगली से यहां पे स्पेस का यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है तो यहां पर दोनों के स्पेस बार को यहां पर अटैच कर दिया और एक सिंगल सा स्पेस बार बना दिया एक लंबा सा ताकि दोस्तों यहां पर हम दोनों थम से स्पेस बार को यूज कर सके और फास्ट टाइपिंग कर सके तो सिंपल में कहूं तो दोस्तों तो आपको टाइपिंग करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो टाइपिंग करते वक्त अपनी उंगली को दोस्तों की से ना उठाना पड़े और आप फास्ट टाइपिंग कर सके बिना प्रॉब्लम के लिए इसलिए दोस्तों यहां पर स्पेस बार को लंबा किया गया यहां पर ताकि आप अपने दोनों थम से दोनों अंगूठी से दोस्तों यहां पर स्पेस बार का इस्तेमाल कर सके और फास्ट टाइपिंग कर सके अगला सवाल दोस्तों कीबोर्ड को लेके वो यह है कि ज्यादातर जो लोग होते हैं दोस्तों वो हमेशा जो एंटर की होता है उसे हार्डली प्रेस करते हैं मतलब जोर से दबाते हैं क्यों वो दोस्तों सच बताओ तो इसके पीछे कोई एक्चुअल रीजन नहीं है बट अगर आप नोटिस करोगे आप हमेशा दोस्तों एंटर की का यूज तब करते हो दोस्तों जब आपको कोई टास्क कंप्लीट करना हो पूरा करना हो फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप टाइपिंग कर रहे हो कुछ यहाँ पर आपने कुछ लिखा तो जैसे ही दोस्तों पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है तो आप, आपको लगता है यार पैराग्राफ कंप्लीट होगा अब हमें नीचे आना है तो इसके लिए सिंपली आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हो या फिर अगर आपको दोस्तों कोई फाइल डिलीट करना है आप तो डिलीट करने के लिए भी यहाँ पर आप बोलते हैं मुझे ये फाइल डिलीट करनी है तो यहाँ पर आप एक टास्क कंप्लीट करना चाहते हो दोस्तों सिंपली एंटर की प्रेस करते हो तो आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है कि जो फाइल है वो डिलीट हो जाता है तो ये टास्क कंप्लीट होने की दोस्तों एक खुशी सी होती है तो फटाक से यहाँ पर हम एंटर की प्रेस कर देते हैं फास्ट एंड इसके अलावा दोस्तों अगर आप नोटिस करोगे आप जब भी एंटर की प्रेस करते हो तो हमेशा दोस्तों आपका पूरा हाथ की से पहले उठता है उसके बाद आप एंटर प्रेस करते हो तो यहाँ पर नॉर्मली अगर आप देखोगे जितने भी कीज़ आपने रखे हुए हैं यहाँ पर कीबोर्ड पर उन सभी को दोस्तों यहाँ पर जो फिंगर का जो प्रेशर है दोस्तों वो जाता है लेकिन जैसे आप कीज़ पे एंटर की पे प्रेस करते हो तो आपका पूरा हाथ उठता है तो जो पूरा हाथ उठ के उस की पे प्रेस होता है तो आपके पूरे हाथ का फोर्स उस पर जाता है इसी वजह से दोस्तों यहां पर हम एंटर की को फास्ट यहां पर प्रेस करते हैं हार्डली यहां पर प्रेस करते हैं ताकि दोस्तों जो एंटर की है उसका साउंड हमें सुनाई दे और वो हमें सुकून मिले कि टास्क कंप्लीट हुआ आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर हाँ तो वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि नॉलेज को शेयर करना बहुत ही जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस के लिए बेल आइकन पे दबा के रखना है ना कुछ भी सॉलो नीचे कमेंट कर सकते हो सोशल मीडिया पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना मिलता हूं मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय